नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूश में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं पंजाबी सिंगर बी प्राक की जुगलबंदी इंडियन आइडल के पवनदीप राजन के साथ में। दोनों ने एक ही गाना गाया है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो इस गाने में किसने ज़्यादा ऊंचे सुर लगाए, किसने ज़्यादा तबाही सुर लगाए और किसकी आवाज़ में ज़्यादा फीलिंग आई है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं बी प्राक की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में पवनदीप राजन की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसम जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। क्या बात है यार, कितनी यूनिक और कितनी अलग आवाज है बी प्राक की। चलिए अब दिखाता हूँ आपको पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। क्या बात है यार, बहुत ही गजब की गायकी करते हैं पवनदीप राजन। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की कंपेयर की कि दोनों में से किसने ज्यादा ऊंचे सुर लगाए और किसकी आवाज में ज्यादा फीलिंग आई। तो भाई बी प्राक एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, बहुत ही ज़्यादा रियाज किया है इन्होंने और बहुत ही ज़्यादा संगीत सीखा है और बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है इनके पास में। तो जाहिर है कि बहुत ही अच्छे से गाना गाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे सुर लगाएंगे ये। लेकिन वही पवनदीप राजन के पास ना ज़्यादा रियाज है, ना ज़्यादा तजुर्बा है और ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जाहिर है कि इतने ऊंचे सुर नहीं लगा पाएंगे जितने कि बी प्राक लगा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर बी प्राक की आवाज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आपको दोनों सिंगरों में से कौन सा सिंगर ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के जाइएगा।